नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा और जावास्क्रिप्ट के वीडियोस के अंदर आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको कुछ और टॉपिक्स यहाँ बताने जा रहा हूँ, जिसमें आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज डॉम एपीआई। ओके, दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, एक्चुअल में क्या होता है डॉम एपीआई का पर्पस क्या है और क्यों हम इसे यूज में लेते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा एचटीएमएल का व्यू होता है, अगर मैं HTML व्यू की बात करूं, तो इसके अंदर आपके कुछ HTML कंट्रोल्स होते हैं। HTML कंट्रोल्स का मतलब क्या हुआ, लाइक आपके टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए, ठीक है, ड्रॉप डाउन्स हो गए आपके, आप ड्रॉप डाउन वगैरह बनाते हैं, ड्रॉप डाउन हो गए आपके, रेडियो बटन्स हो गए, ओके, चेक बॉक्सेस हो गए, तो ये काफ़ी कुछ आपके कंट्रोल्स होते हैं। आपको करना क्या होता है, यूज़र से जब आप वैल्यू फिल कराते हो तो उन वैल्यूज़ को उठा के जो इन कंट्रोल्स के अंदर अवेलेबल होती है वो आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू मैनेज करनी होती है। लाइक आपको अगर डेटा बेस में डेटा एंटर करना है तो आपको वो डेटा सर्वर के ऊपर शेयर करना पड़ेगा। अगर आप उस डेटा को अपने क्लाइंट साइड पे ही मेंटेन करना चाहते हो तो उस डेटा को आप कुकीज़ वगैरह के अंदर स्टोर करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिक पर्पज़ जो होता है हमारा वो ये रहता है कि HTML के कंट्रोल्स के अंदर जो यूज़र की वैल्यूज़ होती हैं उन वैल्यूज़ को मेंटेन करना है। उन वैल्यूज़ को मेंटेन करने के लिए आप लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि थ्रू द प्रोग्राम यू विल कैपेबल टू एक्सेस योर HTML कंट्रोल्स। लाइक आपने जो भी कंट्रोल्स वगैरह बनाए हुए हैं अगर उनको आप थ्रू द प्रोग्रामिंग के थ्रू आप अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्राम लिखने होंगे। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर पर्टिकुलर कंट्रोल्स को यानी कि HTML कंट्रोल्स को पिक करने के लिए आपको API प्रोवाइडेड होती है। अब ये API का मतलब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन इंटरफेस। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन इंटरफेस। ओके, एप्लीकेशन इंटरफेस का मतलब क्या हुआ, दे आर सम यू नो सम मैथड सम ऑब्जेक्ट्स आर देयर बाई विच यू कैन एक्सेस योर कंट्रोल्स, यू कैन मैनिपुलेट द कंट्रोल्स एंड सच काइंड ऑफ स्टफ यू कैन डू थ्रू द API ओनली। तो आपको ड्रॉप डाउन की वैल्यू पिक करनी है, आपको टेक्स्ट बॉक्सेज वगैरह की वैल्यू पिक करनी है, आपको रेडियो बटन्स वगैरह की वैल्यू पिक करनी हो तो उस कंडीशन में आप API का यूज़ करके इसे ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते। तो मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर को 2 या 3 वीडियोस के अंदर मैं इसे शेयर करूँगा, Part 1, Part 2, Part 3। तो ये हमारा जो वीडियो है दैट इज Part 1। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से अपने कंट्रोल्स को HTML कंट्रोल्स को बना सकते हैं और थ्रू द प्रोग्राम उनको एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए हम डॉम API का यूज़ करेंगे, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। बट इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ बताना चाहूँगा, एक API का मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूँगा। API को समझने के लिए आप ये इमेज दिख सकते हैं और इससे आपके काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक्चुअल में जो आपके HTML कंट्रोल्स होते हैं या फिर HTML व्यू जो होता है वो इस तरीके से कुछ अरेंज होता है, यानी कि सबसे पहले आपका विंडो ऑब्जेक्ट आएगा, देन उसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट है दैट इज डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर आता है फॉर्म और फॉर्म के अंदर होते हैं आपके कंट्रोल्स जिनकी वैल्यूज को आपको थ्रू द प्रोग्राम एक्सेस करना होता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये विंडो इज़ द पेरेंट, देन द डॉक्यूमेंट इज़ द चाइल्ड ऑफ विंडो एंड फॉर्म इज आल्सो द चाइल्ड ऑफ विंडो और डॉक्यूमेंट एंड दीज आर द चाइल्ड एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, और सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन होते हैं जो हमारे सेलेक्ट कंट्रोल के अंदर ऑप्शन वगैरह आप डिक्लेयर करते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ द डॉम ट्री, दिस इज़ कॉल्ड द डॉम ट्री। डॉम ट्री को इम्प्लीमेंट करके आप इजीली जावास्क्रिप्ट के डॉम मैनिपुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर चेकबॉक्स को रिट्रीव करना है या इसकी वैल्यू को रिट्रीव करना है तो उसे रिट्रीव करने के लिए मुझे किस पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, फर्स्ट आई विल टेक विंडो ऑब्जेक्ट, आफ्टर आई हैव टू प्लेस द डॉट ऑपरेटर, देन डॉक्यूमेंट, देन डॉट फॉर्म, देन डॉट चेकबॉक्स। तो इट मीन्स कि आपको इसी हायरार्की से अपने एलिमेंट्स को पिक करना पड़ेगा। अगर आप उनकी वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते हैं तो उन वैल्यूज़ को भी आप चेंज कर सकते हैं using the same hierarchy। इसके अलावा document में आपके 2 objects और होते हैं, link और एक anchor, ठीक है। form का use जो होता है वो ये भी रहता है कि आप जो user से values लेते हैं उन values को अगर आप server पे send करना चाहते हैं तो उस condition में you have to take form tag जिसके अंदर ये child elements की तरह work करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे methods होते हैं, लाइक गेट होता है, पोस्ट होता है, ठीक है, तो उनका भी हम यूज़ देखेंगे।
इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया व्हाट इज डॉम, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसे इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।